गुड इवनिंग। मैंने आज अपने एक लाइव टेलीकास्ट पे एक लाइव एक अपना क्लास ट्वेल्थ के लिए उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए अपना एक चैप्टर मैंने दिया था, लेकिन उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो लाइव जो है प्रॉपर नहीं बन पाया, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। और इस वीडियो जारी करने का जो पीछे का उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि आजकल इस लॉकडाउन के समय पर और जिस प्रकार की ये वैश्विक महामारी फैली हुई है और हर कोई अपने घरों में कैद है, तो मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ अपने शिक्षण कार्य को भी सुचारू रूप से चला सके, इस निमित्त मैंने ये वीडियो बनाई है जो मैंने पहले लाइव भी दी है, लेकिन प्रॉपर नेटवर्क ना होने के कारण वो लाइव प्रॉपर नहीं बन पाई। और आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो उत्तराखंड बोर्ड में इंग्लिश का जो पेपर आता है, मैं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14बीघा में सहायक आचार्य पद पर हूँ और मेरा विषय अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का जो पेपर आता है बोर्ड में उसको किस प्रकार से सरलता और सहजता से किया जाए, क्योंकि हमारे विद्यालयों में जो बालिकाएँ पढ़ती हैं या हमारे जो विद्या भारती या अन्य हिंदी माध्यम में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो ऐसे परिवार से बिलोंग कम होते हैं जहाँ पर इंग्लिश का वातावरण हो, इस निमित्त उनके पास वर्ड पावर कम होती है और टेक्स्चुअल जो इंग्लिश है वो उनको बहुत बर्डन टाइप की लगती है, इसलिए अंग्रेजी में उनकी अपेक्षा से कम अंक आते हैं। तो मैं एक सरल तरीके से, एक सहज तरीके से किस प्रकार एक बच्चा जो है उसको कर सके आसानी से, वो मेथड मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके कोशिश करूँगा यहाँ पे कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल सहजता से समझें। तो जो अंग्रेजी का जो बोर्ड का पेपर है कक्षा 12वीं का, उसके चार खंड हैं। उस चार खंड में पहला खंड रीडिंग 20 नंबर का, दूसरा खंड राइटिंग 35 नंबर का, 35 और 20 55 नंबर का ये पार्ट आता है। 2006 की अगर आप बात करें तो उस समय बोर्ड में 50 मार्क्स की ग्रामर आती थी। 50 मार्क्स की ग्रामर बहुत टफ होती थी तो बच्चों की मार्किंग भी बहुत कम होती थी, लेकिन अब उनको सिलेबस को जब चेंज किया गया और एक राइटिंग स्किल को उसमें डाला गया 35 मार्क्स का, वो अपने आप में एक सरल तरीका है और उससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी गेन होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार वो जो 55 नंबर का जो हमारे पास मैटर है, अगर बच्चा टेक्स्चुअल में कमज़ोर है तो उस 55 नंबर में अगर वो ध्यान दे, एज अ फन उसको ले, तो वास्तव में उसके एक अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मेरे सामने ये चार्ट है, इस चार्ट में ये सिलेबस है। इस सिलेबस में जो पहला पार्ट है रीडिंग पार्ट, अनसीन पैसेज 12 मार्क्स, नोट मेकिंग 8 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। अनसीन पैसेज वहाँ होता है जिसको आप कहते हैं अपठित गद्यांश। अब कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन एंड व्हाट इज अनसीन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन बिलोंग टू द स्टोरी बुक्स, अनसीन पैसेज बिलोंग टू एनी पैराग्राफ। तो जो अनसीन पैसेज यहाँ पे आता है 12 मार्क्स का आता है, इस पर 6 क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने पड़ते हैं उसी पैराग्राफ के अंदर से, यानी इजिली अगर बच्चा करे, अगर उसका इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर भी है तब भी 12 मार्क्स में 8 या 7 मार्क्स वो इजिली अचीव कर लेता है। सेकंड पार्ट मैंने बताया नोट मेकिंग। व्हाट इज नोट मेकिंग? नोट मेकिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी मेक शॉर्ट एनी पैराग्राफ एनी स्टोरी इन अवर ओन वर्ड्स। क्योंकि 12वीं के बाद बच्चा जब लेक्चर पढ़ने जाता है, बीए ग्रेजुएशन करने जाता है या अपर स्टडी के लिए जाता है, हायर स्टडी के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको लेक्चर मिलता है। लेक्चर में टीचर प्रत्येक क्वेश्चंस को नहीं करवाएगा या प्रत्येक कॉलम को नहीं भरवाएगा, वो एक लेक्चर देगा और उस बच्चे को उस लेक्चर को शॉर्ट फॉर्म में और अपने ओन वर्ड में पूरा करना पड़ता है, इसीलिए नोट मेकिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। मैं अपनी कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार नोट मेकिंग का फॉर्मेट होता है। तो 12-8 मार्क्स का ये नोटिंग है। सेकेंड पार्ट है राइटिंग 35 मार्क्स का। ये 35 मार्क्स जो है ये सब क्रिएटिव है। इसमें जो पहला पार्ट है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, ये ऑप्शंस हैं। इनमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इन तीनों के अंदर से। एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड एंड कमर्शियल दो प्रकार के ऐड हैं।
और इस क्लासिफाइड ऐड में क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में वर्गीकृत विज्ञापन आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का अर्थ क्या है कि अखबारों में 50 वर्ड लिमिट में अपनी कंटेंट को रखना, अपने कंटेंट को उसमें रखना। इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के क्लासिफाइड और कमर्शियल। क्लासिफाइड में आपके पास सेल एंड परचेज, फ्लैट, हाउस, ऑटोमोबाइल, इनको बेचना खरीदना। और इसमें तीन स्टेप आपको याद रखने पड़ते हैं। पहला स्टेप, इसमें आप कोई ग्रामेटिकल चीज यूज नहीं करोगे। नंबर टू, इसमें किसी प्रकार का प्रोनाउन यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपना घर बेचना है तो मुझे ऐड देना है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि आई एम प्रदीप रावत, आई एम लिविंग इन ढालवाला एंड आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, ये नहीं लिखना होगा। मैं सिर्फ ये लिखूंगा ए हाउस इन ढालवाला, 250 स्क्वायर मीटर, 3 बेडरूम, 2 टॉयलेट। शॉर्ट एंड कैची वर्ड यूज करना है, कहीं ग्रामेटिकल नहीं करना है। तो एक आम बच्चा भी इसको शॉर्ट में अगर करेगा तो 50 मार्क्स, 50 वर्ड्स का होता है, और 5 मार्क्स में बच्चा आसानी से अचीव कर लेता है। इसी प्रकार फ्लैट सेल के बाद आता है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक संबंधित विज्ञापन, फॉर ब्राइड ग्रूम, आपने देखा होगा अखबारों में आता है। इसके अलावा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट क्या है? नौकरी संबंधी विज्ञापन, आपने देखा होगा अखबारों में कि आवश्यकता है इस पोस्ट के लिए वगैरह वगैरह। तो इस शॉर्ट तरीके से मैं आपको कल से जो क्लासेस आएंगी उसमें प्रत्येक का फॉर्मेट आपको बना के दिखाऊंगा। कमर्शियल, कमर्शियल की जो बात कर रहा हूँ मैं, कमर्शियल ऐड जितने भी टीवी में ऐड आते हैं उसका मेन मोटाइव क्या होता है कि एजुकेटेड के अलावा जो अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन है उनको भी अपने सामान का ट्रेड करवाना या उनका प्रचार प्रसार करना ही कमर्शियल है। कमर्शियल ऐड में सोशल ऐड आते हैं, सोशल अवेयरनेस। जिस प्रकार आज कोरोना जो बीमारी चल रही है यहाँ पे आप देखते होंगे कहीं आपके फेसबुक में, सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कमर्शियल ऐड। इसमें सोशल अवेयरनेस, एजुकेशंस वगैरह सब चीज़ के ऐड आते हैं। अगली बात करता हूँ नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग, ये जो नोटिस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग में तीन प्रकार के नोटिस हैं, स्कूल नोटिस बोर्ड, पब्लिक नोटिस, अपील और लॉस्ट एंड फाउंड। ये चार चीज़ें इसमें आती हैं। ये ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशन। मैंने आपके सामने एडवर्टाइजमेंट बता दिया, यहाँ पे मैट्रिमोनियल्स, सिचुएशन वैकेंट, ट्यूटोरियल्स, मिसिंग्स। इसी प्रकार से नोटिस राइटिंग में स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए पब्लिक नोटिस, अपील एंड लॉस्ट एंड फाउंड। स्कूल, व्हाट इज नोटिस? अब बात आती है नोटिस राइटिंग। नोटिस क्या है? नोटिस इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन कमिंग इवेंट्स, माने फ्यूचर में जो इवेंट्स आने वाले हैं। जैसे कि आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए स्कूल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? प्रोग्राम हो गए, प्रोग्राम में एनुअल फंक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम, कॉम्पिटिशंस, कैंपिंग, टूर, तो इनकी सूचना क्लासेस में भी आती है, वे सूचना नोटिस बोर्ड पर लगती है, तो इसको कहते हैं स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस बनाना। इसी प्रकार पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस में आपने अखबारों में देखा होगा, यानी कोई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है या फिर कोई अन्य चीज़ है जिसको कि किसी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको अखबार के माध्यम से सूचित किया जाता है तो वो पब्लिक नोटिस। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर्स किसी स्कूल में कार्यरत है और किसी कारण से, बिना कारण से वो एब्सेंट चल रहा है, तो क्या है शिक्षा विभाग से अखबार के माध्यम से उसको एक सूचित किया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप इस दिनांक से इस दिनांक तक अनुपस्थित चल रहे हैं और कृपया आप अपनी ज्वाइनिंग को करें, अन्यथा आपकी सर्विस सस्पेंडेबल होगी बाय बीओ। ये पब्लिक नोटिस होता है। उसके बाद अपील। अपील क्या है कि कोई आपका रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइज है और उसको पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक अपील की जाती है सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, उसको अपील कहा जाता है। इसी के अलावा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में अगर आपका कोई रिस्ट वॉच गुम हो गया या कोई ब्रीफकेस गुम हो गया तो आप उसको एक नोटिस बोर्ड पर देते हो लॉस्ट कॉलम पे, तो ये नोटिस राइटिंग में आता है। अगली चीज़ है आपकी इनविटेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपका सिर्फ पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपके ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशन। इनमें से एक क्वेश्चन पुटअप करना पड़ता है 5 मार्क्स का। अब है इनविटेशन। इनविटेशंस, इनविटेशंस निमंत्रण जिसे कहते हैं, दो प्रकार के बताए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक। इसको मैं सहजता से आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा शादी का कार्ड, शादी का कार्ड जो अंदर होता है वो प्रिंटेड होता है, वो
तो उसमें क्या होता है कि ब्राइड का नाम, ब्राइड ग्रूम का नाम, उसके परिवार का नाम, और सब में क्या लिखा था कि आप सादर आमंत्रित हैं, रिक्वेस्ट ही नीचे आता है, यानी कि वो एक कम्युनिटी को बुलाया गया है, एक लोगों को बुलाया गया है, पर्सनल किसी को नहीं बुलाया गया, उसमें पर्सनल नाम नहीं आता उसमें। तो प्रिंटेड कार्ड जितने होते हैं वो इनफॉर्मल इन्विटेशंस में आते हैं, यानी कि जो एक कम्युनिटी को बुलाया जाए। लेकिन जब हम उसको कार्ड को बंद करते हैं और एक एनवलप में उसको रखते हैं, तो बाहर उसमें पर्सनली हम किसी एक व्यक्ति को या परिवार को देते हैं, तो वहाँ पर लिखते हैं हम टू जिसके लिए लिखा गया सेवा में, और दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल। तो कहने का तात्पर्य कि फॉर्मल जो इनविटेशन है वो कौन सा होगा, जब आप किसी एक पर्सनल व्यक्ति को किसी इवेंट में आमंत्रित कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल के प्रेजिडेंट हो एंड यू वॉन्ट टू इन्वाइट चीफ गेस्ट मिस्टर ए बी सी डी, जो भी आप उसको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, आप उसको इनविटेशन लेटर लिखोगे तो क्या आएगा, सेल्फ एड्रेस, डेट, और फिर उसका एड्रेस, ऑनरेबल जो भी है, सब्जेक्ट, उसमें आएगा सब्जेक्ट क्या, इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट। तो ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इसको उसको फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में खाली क्या आएगा, प्रिंटेड कार्ड आएंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, यानी एडवर्टाइजमेंट, नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन, इनमें से एक ऑप्शन आता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है ये राइटिंग स्किल में रिपोर्ट राइटिंग, 10 मार्क्स की आती है, और उसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स के, और आर्टिकल 10 मार्क्स के। तो रिपोर्ट राइटिंग जो हमारी है रिपोर्ट, अब नोटिस से थोड़ा डिफरेंट होता है रिपोर्ट। डिफरेंसेस क्या है, नोटिस आने वाली फ्यूचर इवेंट्स की सूचना है, रिपोर्ट जो पास्ट में इवेंट हो चुका है उसका एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल के प्रेजिडेंट हो, आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, तो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, देन यू राइट अ नोटिस। लेकिन अगर कल्चरल प्रोग्राम हो चुका है, देन यू रोट रिपोर्ट्स। तो द डिफरेंसेज बिटवीन रिपोर्ट एंड नोटिस इज दैट नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन टू ऑन कमिंग इवेंट, एंड रिपोर्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट इवेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट आपकी 10 मार्क्स की आती है, दो प्रकार की रिपोर्ट है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। अगला आपके पास लेटर एंड एप्लीकेशन, इसके बारे में जब मेरा नया नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें लेटर और एप्लीकेशन आर्टिकल किस प्रकार लिखे जाते हैं, उसके फॉर्मेट किस प्रकार होते हैं, तो मैं यही आशा करूंगा कि जो मैंने आपको एक क्लास दी है, पहले तो मैंने लाइव दी है, लाइव में मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार से नेटवर्क की कमी के कारण से वो लाइव में मेरा कॉन्टेंट क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मैं एक आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना अधिक इसको शेयर करें, और इससे प्रत्येक स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ता है उसको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, 11th 12th इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, और आप घर बैठे बैठे और जिस प्रकार से मैं आपको गाइड करूँगा एक एक चीज़ों का, अगर आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको ये पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में, और जो डर आपको इंग्लिश विषय का रहता है वो आपके दिल से हट जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।